ब्रिटिश संसद के 300 साल के इतिहास में पहली बार अर्धनग्न होकर पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। ब्रेक्जिट समझौते की शर्तों में जलवायु परिवर्तन का मुद्दा शामिल नहीं होने से ये लोग नाराज थे। रेबेलियन ग्रुप के 11 कार्यकर्ताओं ने संसद की पब्लिक गैलरी में 20 मिनट तक अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी गैलरी में बनी कांच की दीवार से सटकर खड़े थे और इनकी पीठ सांसदों की तरफ थी। इनकी छाती पर सब जिंदगी के लिए जैसे नारे लिखे थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सार्वजनिक स्थल की गरिमा भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि ब्रिटेन की संसद 1707 में बनी थी। दुनिया के कई लोकतंत्रों के लिए ये उदाहरण है, इसलिए इसे मदर ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है। आपको बता दें कि जुलाई 1978 में माल्टा के पूर्व प्रधानमंत्री डोम मिंटोफ की बेटी याना ने स्कॉटिश होम रूल पर बहस के दौरान गैलरी से सांसदों पर घोड़े की लीद से भरे बैग फेंके थे। ये बैग फट गए थे और गंदगी बेंच और सांसदों पर फैल गई थी।